कतर में भारतीय दूत और एक वरिष्ठ तालिबानी नेता की दोहा में मुलाकात के दो दिन बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को कई सवालों का सामना करना पड़ा, जिसमें काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन की खबर और क्या भारत को नई सरकार बनने के मौके पर आमंत्रित किया गया, इस तरह के सवाल भी शामिल थे। बात देश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान की भी होगी और अंत में असम सरकार के फैसले पर भी बात करेंगे। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान पर तालिबान का राज है, इसके बाद पहली बार भारत ने तालिबान के नेता के साथ बातचीत की। इस संबंध में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी दी। इसी बीच तालिबान के साथ संबंध को लेकर भारत की भविष्य की योजना को पर सवाल किए गए। बागची ने कहा कि इस बारे में कोई बात करना अभी जल्दबाजी होगा। उन्होंने कहा कि दोहा बैठक को हम वही माने जिसके लिए यह थी, यह सिर्फ एक बैठक थी। मुझे लगता है कि ये अभी काफी शुरुआती दिन है। बागची ने कहा कि भारत ने दोहा बैठक का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अफगान क्षेत्र में संभावित उपयोग को लेकर अपनी चिंताओं को व्यक्त करने तथा बाकी भारतीयों को अफगानिस्तान से वापस लाने के संबंध में किया और हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली। यह पूछे जाने पर कि क्या तालिबान के साथ भारत और बैठकें करेगा, बागची ने कहा कि वह अटकलें नहीं लगाना चाहते और उस संबंध में साझा करने के लिए उनके पास कोई जानकारी नहीं है। वहीं तालिबान द्वारा गठित की जाने वाली सरकार से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। As you know, we have been prioritizing the evacuation of our national, of our people there, as well as some Afghans who we could bring out. Currently, of course, the Kabul airport is not operational, so I don't have any an update on when we will be able to do more flights. I think we will be able to revisit this issue. Once we have Kabul airport operational, once the airport operations resume there, so I think we'll have to wait for that. Meanwhile, of course, our special Afghanistan cell continues to operate as in touch with whoever is in Kabul and in Afghanistan. So that's what I would say about the evacuation part. I have actually no update on either issue. We're not aware of the invite. I've seen media reports on the government formation, but we don't have any update on anything on the invitation. And I don't have any details I can share with you regarding the nature of what government could form in Afghanistan. Hamare Doha meeting ke bare mein, if there are any other plans. Look, all I know I can tell you is there was a meeting, and that meeting we have shared with you details of what the meeting is. I have no update on any further. I would not like to speculate about the future. Hamara jo main concern hai, one of the primary immediate concern is that Afghan soil should not be used for terrorist anti-Indian activities or terrorism against India. I think you saw that in our press release. हमने इस बारे में काफी कह रखा। ये हमारा एक मेन मुद्दा है और इस पे ही मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा फोकस यही है। देश में अब तक 66 करोड़ से अधिक दी गई डोज। भारत की आधी से अधिक वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है और 16% को दोनों डोज मिल चुकी है। देश में अब तक लगाई गई वैक्सीन की कुल संख्या 66 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिक्किम, दादरा और नगर हवेली और हिमाचल प्रदेश में सभी वयस्क आबादी को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। आपको बता दें कि अगस्त में 18 करोड़ 38 लाख डोज दी गई, जिसके दौरान प्रतिदिन औसतन 59,29,000 डोज दी गई। अगस्त के अंतिम 7 दिनों में औसत वैक्सीनेशन 80,27,000 का था। राजेश भूषण ने बताया कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह सभी स्वास्थ्य कर्मियों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों की प्रभावी और अधिकतम भागीदारी के बिना संभव नहीं हो पाता। अगस्त में 27 और 31 दोनों दिन 1 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हुआ है। 16% ऑफ द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री हैज बीन फुल्ली वैक्सीनेटेड। 54% ऑफ द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री has received at least one shot. और आप सहमत होंगे, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये लगभग 66 करोड़ की संख्या हो जाती है। 66 करोड़ की जनसंख्या अनेक देशों की मिलाकर होती है जिसको हमने अब तक वैक्सीनेट किया है। So there are three states, सिक्किम, दादरा एंड नागर हवेली एंड हिमाचल प्रदेश, which have administered the first dose of COVID vaccination to 100% of their 18 plus population. Sikkim ne 36% ko dusri dose bhi de di hai.
दादरा और नागर हवेली ने 18% को और हिमाचल प्रदेश ने 32% को दूसरा डोज भी दिया है। भाजपा पर वर्षी कांग्रेस। असम की भाजपा सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम औरंग नेशनल पार्क से हटा दिया। अब इसे महज औरंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि क्या भाजपा ने कुछ बनाया, वे हमेशा सब कुछ नष्ट कर देते हैं, यही भाजपा का चरित्र है। सुनिए सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा। क्या भाजपाइयों ने कभी कुछ बनाया भी है, केवल मिटाया है। हरियाणा में एक कहावत है, कुछ बनाना जानते हो, बोले नहीं केवल दोनों हाथों से मिटाना जानता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और वो व्यक्ति जो आज असम का मुख्यमंत्री बना बैठा है, जो ये कहा करता था कि राजीव गांधी जी की वजह से मैं राजनीति में हूँ, राजीव गांधी जी मेरे आइडियल हैं, आज वो उनका नाम मिटाकर क्या समझता है कि राजीव जी का नाम मिट जाएगा। अरे पार्कों से देश के शहीदों का नाम मिटाकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए शहादत दी, और इस प्रकार की छोटी बातें करके भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता का परिचय दे रही। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।